हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। सो वंस अगेन जितने भी सारे आईआईटी एग्जाम एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए हम लोगों ने और स्पेशली मैंने जितने भी सारे आईआईटीज है वो सारे आईआईटीज के जो फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा, एडमिशन फीस हो जाएगा, एज वेल एज जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा था। तो उसमें आज हम लोग और एक नया आईआईटीज के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आईआईटी गुवाहाटी। अब पीछे जो देख पा रहे हो दैट इज एक्चुअली ना सरकम आई वुड से कि सराउंडिंग्स ऑफ द आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बात करूंगा अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इसका जो कैंपस है ना बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। बिकॉज आपको पीछे जो नदी दिख रहा है ना वो नदी एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नद जो है वो आपको दिखेगा। तो ये अगर आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस है तो कैंपस के जस्ट थोड़ा सा बाहर जाते ही आपको ब्रह्मपुत्र नद और रिवर जो है वो देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार एक कैंपस है आईआईटी गुवाहाटी का। तो इस आईआईटी गुवाहाटी में अगर आप एमएससी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जितने भी सारे स्टूडेंट्स इस साल एमएससी के लिए एडमिशन लिया है तो उनको कितना अमाउंट एडमिशन फीस के तौर पे देना पड़ा है या फिर सेमेस्टर वाइज कितना फीस रहने वाला है, तो चलिए डिस्कशन डिटेल्स में इसके डिस्कशन करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा या फिर ऐसा कुछ रहते हैं तो जो भी मतलब थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं बेसिकली, तो उनके लिए क्या है भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रहने वाला है फॉर ड्यूरिंग योर एमएससी कोर्स। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी का एडमिशन फीस एंड कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दिखेगा कि टोटल फी एक होता है कि आपके पास टोटल फी कितना अमाउंट पे करना होगा। सो अगर आप एमएससी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एमएससी, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एज वेल एज एएसआर कैटेगरीज के लिए डिफरेंट अमाउंट होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज द 57,150 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड बाकी डिपार्टमेंट के लिए और बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 54,150 एंड दिस इज वन टाइम पे। वन टाइम पे का मतलब क्या है कि टोटल फी पेएबल एट द टाइम ऑफ द एडमिशंस बाय द रेगुलर कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एज वेल एज फ्री ब्रेकअप जो होगा वो नेक्स्ट जो हमारे स्लाइड से उसमें हम लोग देखने वाले। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम जब आप लोग एडमिशन लोगे तब आपको 57,000 देना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, जनरल ईडब्ल्यूएस एज वेल एज ओबीसी एनसीएल एंड एससी एसटी, ये बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, ठीक है। और ये हमारे पास रहेगा जनरल जनरल ओबी ईडब्ल्यूएस एज वेल एज ओबीसी एनसीएल कैटेगरी स्टूडेंट्स वालों के लिए, ठीक है। तो ये अमाउंट में ऑब्वियसली दिस इज वन टाइम पेमेंट, हर बार हर सेमेस्टर में आपको इतना अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। कि आपको पेमेंट दिखाई दे रहा है तो पेमेंट अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स एंड दिस इज फॉर एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम फी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेकअप को देख लेते हैं। तो ये आपके पास ब्रेकअप रहेगा, ठीक है। तो वन टाइम फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड विच इज नॉन रिफंडेबल, एडमिशन फी रहेगा, सर्टिफिकेट, मेडिकल, स्टूडेंट्स आइडेंटिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन एज वेल एज वन टाइम एलमनी फी, होस्टल एडमिशन फीस, मेस एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, थीसिस फीस। सो टोटल हमारे पास 9,550 ये अमाउंट जो होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा एंड वन टाइम पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो आएगा दैट विल बी फॉर वन टाइम डिपॉजिट्स एंड विच इज रिफंडेबल। वन टाइम डिपॉजिट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, 1,000, 1,000, 4,000, 6,000। तो इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी हो गया, लाइब्रेरी कॉशन मनी हो जाएगा, हॉस्टल कॉशन मनी एज वेल एज मेस डिपॉजिट। सो इतना जो टोटल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आपको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो दैट इज नथिंग बट 21,550। तो इतना अमाउंट आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हर सेमेस्टर वाइज जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा दैट विल बी गिवन हियर, सो दैट इज पे फॉर एवरी सेमेस्टर, ठीक है। हर सेमेस्टर में आपको कितना पे करना पड़ेगा सर, ट्यूशन फीस रहेगा, टेबल के बारे में बताते हैं, तो टेबल में ये ट्यूशन फीस के बारे में दिखाते हैं, बट पहले भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3,000 फॉर जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी सारे एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जीरो हो जाएगा, मतलब फी टोटली वेव किया जाएगा। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,000 आएगा फॉर रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन फी, एकेडमिक फैसिलिटीज फी, एज वेल एज मेडिकल फी, देन
1900 आएगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रॉपरली आई होप, ठीक है। सो 150, 50, 100, ये सारे इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ब्रदरहुड, ट्रैवल असिस्टेंट, जिम खाना, हॉस्टल फंड, हॉस्टल रेंट, हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड एडजस्टेबल मेस फी एडवांस। तो ये टोटल मिला के 34,100 आएगा, उसके साथ साथ ट्यूशन फी ऐड होगा, तो ये आपके हर सेमेस्टर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस अमाउंट के साथ 34,000 के साथ 34,100 के साथ 3,000 ऐड करोगे तो ये आपको हो जाएगा 37,100 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, जिसको हर सेमेस्टर में ये पे करना पड़ेगा। वन टाइम्स मैंने क्या बोला था, 21,000 के आसपास कुछ हमें पेमेंट करना पड़ेगा। बट यस, यहाँ पे एक फीस था जो कि है हमारे पास, ओके, ये जो फीस है दैट इज द थीसिस फीस, ठीक है। ये थीसिस फी एमएससी वालों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसलिए ये पार्ट हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास 20,000 के आसपास अमाउंट आएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास बचेगा 57,000 के आसपास आएगा। और ट्यूशन फीस देखा जाएगा तो ये हमारा एमएससी के लिए होगा, ठीक है, हमें इसको ही फोकस करना है, बाकी को मत फोकस करिए, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। सो ट्यूशन फी ये आपके लिए ओवरऑल सिनेरियो बन जाएगा। तो 3,000 स्टूडेंट 3,000 रुपीज जो मैंने बताया था, एंड दिस आर नॉट बिलोंगिंग टू एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, राइट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें क्या मिल सकते हैं, एज वेल एज स्कूल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो अल्टीमेटली हमें टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, चार साल में अगर आप करोगे तो 4 × 37,100 इसको मल्टीप्लाई करिएगा, और फर्स्ट टाइम के लिए आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा 20,500 के आसपास, सॉरी 20,050 के आसपास, ठीक है, 20,050 के आसपास। तो ये टोटल ओवरऑल आपका अमाउंट जो होगा चार साल में एमएससी के टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट में दिखाने वाला हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है वहाँ पे पीडीएफ में गिवन है ये सारे इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स क्या मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा टू प्रोमोट एंड रिकॉग्नाइज एकेडमिक एक्सीलेंस एंड ओवरऑल ग्रोथ। तो ये सारे काफी सारे आपको स्कॉलरशिप जो होगा जिसमें से आ जाते हैं इंस्टीट्यूट मेरिट कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, यार वाइज टॉपर जो होगा एंड अवार्डेड फ्रॉम द सेकेंड ईयर, ठीक है, इट इंक्लूड्स ट्यूशन फी वेवर एंड अ फिक्स्ड मंथली स्टाइपेंड फॉर 8 मंथ्स, बहुत बढ़िया बात है। इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप्स, इंस्टीट्यूट एमसीएम स्कॉलरशिप जो अवार्डेड होगा ये भी 25 एमएससी वाला स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और इसमें स्ट्रिक्टली मेरिट कम अप टू 25% ऑफ द नॉन एससीएसटी स्टूडेंट्स, तो एससीएसटी स्टूडेंट्स के अंदर जो आते हैं उनको नहीं मिलने वाला है। ट्यूशन फी वेवर में मंथली फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा, और एससीएसटी स्कॉलरशिप के लिए क्या होगा, बीटेक बीडीएस एमएससी एमएस स्टूडेंट्स के लिए फिक्स मंथली स्टाइपेंड फॉर 8 मंथ, फ्री मेसिंग मिलेगा ओनली फॉर द बेसिक मेनू, एंड हॉस्टल सीट रेंट वेवर एंड ट्यूशन फीस वेव्ड फॉर ऑल एससीएसटी स्टूडेंट्स बाय द इंस्टीट्यूट। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये सारे स्कॉलरशिप आपके पास देखने को मिलेगा, अदर स्कॉलरशिप के अंदर ये सारे आ जाते हैं जो आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। एंड असिस्टेंटशिप की बात करें तो यहाँ पे हमारे एमएससी के लिए कोई असिस्टेंटशिप नहीं है, और बाकी इसके थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन यू कैन इजिली रीड। तो जैसे कुछ रूल्स ऐसा है कि स्कॉलरशिप मेन द ईयर इज क्लास टॉपर फॉर द स्ट्रीम्स एंड अवार्डेड फॉर द सेकंड ईयर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको मिलने वाला है, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको सिनेरियो देखने को मिल जाएगा, एंड पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे गिवन है, तो ये भी 8 महीने के लिए आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है, द स्कॉलरशिप शैल हैव दिस बेनिफिट्स। सो ये ओवरऑल हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सारे गिवन है, तो इसको हमें उतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि एनुअल इनकम जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 4.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, चलो यह सिनेरियो रहेगा आपके लिए। एंड तो ओवरऑल आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके
आईआईटी गुवाहाटी फ्रेशर पोर्टल स्कॉलरशिप ऑर्डिनेंस में जाके भी आप इसको पढ़ सकते हो कम्प्लीटली, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मैं बताने वाला था कि हमारे जो इंस्टीट्यूट का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है, क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहोगे, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, ये हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आदित्य नारायण पांडा, एंड उसके साथ साथ ये सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे फैकल्टीज हैं, तो फैकल्टीज के मैं पीछे नहीं, मतलब ये फैकल्टीज के प्रोफाइल अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन गो एंड वॉच देम, वॉच देयर, यू कैन विजिट देयर ग्रुप और प्रोफाइल। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट वाइज की बात करें तो विजिट वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग तो हमारे पास ये ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एकेडमिक्स में जाओगे तो एमएससी में जाते हैं हम लोग तो हमारे पास ये ओपन होगा, और उसमें जो सिलेबस है इस सिलेबस में मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये कंप्लीटली ओपन होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आपको हर सेमेस्टर में क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हो कंप्लीटली यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। पहला सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, क्वांटम रहेगा, ग्रुप थ्योरी रहेगा, उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का लेबोरेटरी वर्क रहेगा। सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर्स एंड केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिजम्स और मेटालिक्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिजम्स, केमिकल डायनामिक्स एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें आपके पास मिलने वाला है। सेमेस्टर थ्री में क्या क्या रहेगा देखिए, सेमेस्टर फोर में क्या आएगा ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ ये जो भी सारे इलेक्टिव कोर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको सेमेस्टर फोर में लेना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्टिव वन, इलेक्टिव टू। एंड उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है, टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ये लिखा हुआ है, उसके साथ साथ कौन से टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करना है, तो यहाँ से आपको टेक्स्ट बुक के बारे में भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको टेक्स्ट बुक के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट बुक गिवन है, सिमिलरली कितने सारे रेफरेंसेस हो जाएगा, ये सारे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखो, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, जहाँ से आपको आराम से बहुत सारे रेफरेंस बुक के बारे में पता चलेगा, बहुत क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है इसके बारे में पता चलेगा। वो बुक अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड देयर पीडीएफ। सो देट इज द मेन मोटो टू शो दिस पार्ट, कि आपको यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस एज वेल एज टेक्स्ट बुक्स के बारे में पता चलता है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये प्रॉपरली विजिट करवाया आपको इस वेबसाइट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम लोग धीरे धीरे मार्च एंड करते हैं। सो उसके साथ साथ मैं अगर बात करूंगा तो अगर आप लोग ऐसे ही आईआईटीज में जाना चाहते हो तो जो बैच स्टार्ट हो चुके हैं 16 सितंबर को, इस बैच में आप लोग एनरोल करिए, उसमें आपको फ्लैट 30% ऑफ जो है वो मिलने वाला है बाई यूजिंग दिस प्रोमो कोड, दैट इज IFAS30। इस प्रोमो कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलने वाला है। और इस बैच में आपको क्या क्या रहने वाला है, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, डीपीपीस मिलेंगे, टीचर्स के पीडीएफ मिल जाएगा, टीचर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस मिल जाएगा, डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगा हमारे से, हमारे तरफ से जो भी सारे जितने भी सारे आईआईटी एंड फैकल्टीज हैं, एज वेल एज आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, मॉक टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। तो बहुत सारे चीज़ें जो है आपको इस बैच के साथ मिलने वाला है, जिसका नाम है चैंपियन बैच। तो ऑब्वियसली आपको चैंपियन बनवा के हम लोग छोड़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। 18 दिसंबर तक ये बैच में, 18 दिसंबर तक इस बैच में, सॉरी 18 जैन तक, नॉट दिसंबर, 18 जैन लिख लीजिए, 18 जैन तक आपका पूरा सिलेबस जो है वो सिलेबस कवर करवाया जाएगा इस बैच के थ्रू। तो आप लोग फटाफट से देर ना करते हुए ज्वाइन कर दीजिए, और इसके लिए अगर आपको किसी को कॉल करना है तो यू कैन कॉल इट ऑन दिस नंबर 666888। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। कौन सा नंबर पर बोला मैंने, 9172266888, ठीक है, इजी नंबर से। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप PYQs देखना चाहते हो, ईयर वाइज कट ऑफ देखना चाहते हो, पेपर एनालिसिस देखना चाहते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रिपरेशन के टाइम पे, एज वेल एज एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, एग्जाम कट ऑफ तो बता दिया, एग्जाम सिलेबस के बारे में जानना है, तो प्लीज हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे विजिट करिए IFAS online.com, यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा IIT एग्जाम सेगमेंट चूज करते ही। तो बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल चीज होने वाला है आपके लिए। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे देन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.